हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जल्द से जल्द टेबल याद कैसे किए जाए। ठीक है, मैं कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके कारण आपका जो मैथमेटिक का कैलकुलेशन टाइम है वो काफ़ी बच जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक से लेके तो 8 तक के टेबल याद होना ही चाहिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक चालू होती है 9 के टेबल के बाद। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा 9 का टेबल लिखते कैसे है। उसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना आ गया, बहुत हो गया। देखिए ये 0 से नंबरिंग स्टार्ट की है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब नीचे से ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे 9 का टेबल दिखेगा, जैसे कि 9 9 1 9 9 3 18 9 3 26 9 4 36 9 5 44 9 6 54 9 7 63 9 8 73 9 9 81 9 10 90। ठीक है, तो ये हो गया 9 का टेबल। अभी देखिए इसके बाद 12 13 12 का टेबल 13 का टेबल 14 का टेबल, ऐसे 99 तक या फिर कितना भी। ठीक है, टेबल याद कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको 12 का टेबल बताता हूँ याद कैसे करते हैं। 12 यहाँ पे 12 लिख लीजिए। अब यहाँ पे 1 का टेबल लिखिए, 1 1 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब यहाँ पे 2 का टेबल लिखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ओके, अब एंडिंग का डिजिट है वो जैसे के वैसे लिखिए, और उसके सामने का जो है उसे भी जैसे के वैसे लिखिए, तो हो जाएगा 12 1 12। अब देखिए एंडिंग का जैसे के वैसे, उसके सामने का भी 12 2 4 24, 12 3 4 36, 12 4 4 48। ओके, अभी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे कैसे किया जाए। तो यहाँ पे देखिए लास्ट का डिजिट क्या है, 0, तो 0 को जैसे का वैसा, और जो सामने का 1 है, सामने का 1 है उसे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए 5 के पास और उसे ऐड कर दीजिए 1 में, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6, मीन्स हो जाएगा 16। वैसे ही लास्ट का डिजिट मीन्स 2 को जैसे का वैसा लिखिए, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए 6 के पास, +1 मीन्स हो जाएगा 72। 4 को जैसे के वैसे लिखिए, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए 7 के पास, +1 मीन्स 8। अब 16 को भी जैसे किया, 6 को वैसे के जैसे का वैसा लिखिए, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए +1 मीन्स हो जाएगा 9। 8 को जैसे का वैसा लिखिए और 1 को क्या कर दीजिए, कैरी फॉरवर्ड +1 मीन्स 108। 0 को जैसे का वैसा लिखिए, 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए 10 + 2 मीन्स हो जाएगा 20। 10 + 2 मीन्स हो जाएगा 12, सॉरी। अब देखिए ये हो जाएगा 12 का टेबल। अभी देखिए कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं। अब मुझे ये हो गया, ये अभी सब में, जैसे कि ये लिखा हूँ मैंने सब में, 99 तक के टेबल में या फिर 21 22, कितने भी टेबल में आपको जैसे के वैसे लिखना है। 99 तक के टेबल में आपको जैसे मैंने बताया हूँ वैसे ही करना है। जैसे कि अभी मैं खुद लिखना है 93 × 4, अब मुझे लिखना है 93 × 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसा करना है, 4 × 3 मीन्स हो जाएगा 12। ठीक है, और 4 × 9 मीन्स हो जाएगा 36। तो जो एंडिंग का 2 है लास्ट डिजिट, उसको जैसे का वैसा लिख दीजिए, और ये जो 1 है उसे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 37, एंड 93 × 4 मीन्स हो जाएगा 372। ठीक है, ये होगी
ट्रिक इसकी, यानी इसमें आपको किसी भी कोई भी टेबल, अगर मेरे को करना है कि 17 × 7 निकालना है तो 17 × 7 से कितना हो जाएगा 49 एंड 7 × 1 = 7 मीन्स हो जाएगा 9 जैसे का वैसा लिख लो, 4 जो है इसके सामने का डिजिट इसको कैरी फॉरवर्ड करके प्लस कर दो, यानी कितना हो जाएगा 7 + 3 मीन्स 11 एंड 17 × 7 = 119 बस हो गया। जैसे कि अभी 108 का देखते हैं, 108 का है तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट कर दीजिए, एंडिंग में 8 रख दो। अब मुझे को इनटू पहले 2 का देखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 8 हो जाएगा 16 और 2 × 10 की चौ कितना हो जाएगा 20 मीन्स एंडिंग का डिजिट क्या ले लो 6 ले लो और जो 1 है कैरी फॉरवर्ड कर लो मीन्स हो जाएगा 21 तो 216। यानी ये जो बताया हूँ मैंने ट्रिक ये सबके लिए है, 99 के बाद भी अलाउड है। जैसे कि देखिए आप कर सकते हो, अभी मैं बताता हूँ 83 का, ठीक है, तो 83 × 8 करना है तो 8 × 3 कितना हो जाएगा 24, ठीक है, और 88 से कितना हो जाएगा 64, तो जो लास्ट का डिजिट है उसे जैसे का वैसा लिख लो, 2 को यहाँ पे प्लस कर दो मीन्स कितना हो जाएगा 66, तो 83 × 8 मिल जाएगा 664, बस हो गया। तो ये है टेबल की लर्निंग ट्रिक जिसके कारण आप अपना मैथ्स का कैलकुलेशन काफ़ी हद तक जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।